प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार पद संभालने के बाद मंगलवार शाम को श्री काशी विश्वनाथ दरबार में हाजिरी लगाई। लोकसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाने के बाद मां गंगा का पूजन अर्चन कर प्रधानमंत्री मोदी बाबा के स्वर्णिम दरबार में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ पहुंचे। धाम में बाबा विश्वनाथ के स्वर्णिम शिखर को प्रणाम कर प्रधानमंत्री मंदिर के गर्भगृह में पहुंचे। मंदिर के प्रधान अर्चक पंडित श्रीकांत मिश्र की अगुवाई में पुजारियों ने मंत्रोच्चार के बीच प्रधानमंत्री को विधि विधान से षोडशोपचार विधि से बाबा के पावन ज्योतिर्लिंग का अभिषेक कराया। प्रधानमंत्री ने ज्योतिर्लिंग की आरती उतारी। प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे श्रद्धा भाव से बाबा के प्रति अपनी गहरी आस्था दिखाते हुए देश में खुशहाली की कामना की और देश में लगातार तीसरी बार सत्ता मिलने पर बाबा के आशीर्वाद के प्रति आदर भाव दिखाया। मंदिर में दर्शन पूजन के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री को श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास और श्री काशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद की ओर से स्मृति चिन्ह अंगवस्त्रम भेंट किया। इसके पहले प्रधानमंत्री मोदी ने धाम में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच प्रवेश किया। दरबार में मौजूद शिव भक्तों ने प्रधानमंत्री मोदी का हर हर महादेव के उद्घोष के बीच स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे कार्यकाल के शपथ ग्रहण के बाद दो दिवसीय दौरे पर काशी आए हुए हैं। दर्शन पूजन के दौरान प्रधानमंत्री के साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। सत्या संतु यजमानस्य कामाः नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।